शेख, मुझे मुझे कुछ सवाल तो नहीं पूछना था, मतलब मुझे मतलब मदरसे की नहीं। सारी ऐसा करना था कि हाँ मतलब मैंने जो बचपन में मैंने स्कूल मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे मतलब हिंदी नहीं आती थी और उर्दू मीडियम से पढ़ा था मैंने, मुझे इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने मकतब में पढ़ा तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हिंदी और ऐसी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश और हिंदी ऐसा समझ में आ गई कि मतलब स्कूल की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब स्कूल में मतलब पढ़ाई पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाई होती थी, लेकिन जैसा जो मकतब में मेरी पढ़ाई हुई है तो मुझे लाइफ टाइम तक याद रहेगी। मतलब ऐसा उन्होंने आलिम लोग ने आप मेहनत किया मेरे एक्सपीरियंस ऊपर। शेयर कर रहे हैं जी खान असरार, आप अपना एक्सपीरियंस फिर से 3 लाइन में बोलिए शेख शाबान बिदार की बात के शेख बाद। शेख मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मतलब जो जो काम मतलब मेरे स्कूल के जो लोग ने नहीं किए उन्हें मदरसे में मेरे आलिम लोग ने किया है। मतलब वो जिंदगी भर मुझे याद रहेगा कि जो मेहनत, मतलब और मेरे यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह सनाबिली साहब भी है और मतलब सनाबिल के पढ़े हुए हैं और सल्फी साहब भी है और मतलब 5 टीम है टोटल। उन्होंने बहुत मेहनत किया और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा चल रहा है। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने मैंने मदरसे में तालीम हासिल किया है, मुझे याद रहेगी ये। ठीक, अच्छी बात है। नहीं, पढ़ाई के अंदर जजाक आपने क्या किया है फिर बाद में, जस्ट एक कंपैरिजन समझने के लिए। ओके, BSc किया था मतलब सर मैंने बी तो एस आप सी बोल रहे हैं बीएससी आपने किया है, लेकिन आपको वो मकतब की मदरसे की शुरू तालीम आपको पहले हाँ की मदरसे से अभी बहुत फायदा तक हुआ मिली, उसमें। वो आपको फाउंडेशन वहां से मिला है ना। यस, असल ठीक में है सर। हिंदुस्तान में जो मकतब की तालीम थी ना, बुनियादी जो उलमा देते थे, वो बहुत मजबूत तालीम थी पुराने दौर तक के। वो मकातिब असल में उस हजरत हाल वो रह भी नहीं गई वैसी, मकातिब अब बहुत कमजोर हो गए। वरना आप मकातिब की तारीख उठा करके देखेंगे, अभी भी जहाँ मकातिब चल रहे हैं वो बहुत मजबूत तालीम है, जबान की भी तालीम और जो भी जितने भी पढ़ा करके वो भेजते हैं ना, वो बहुत मजबूत तालीम होती है। पंजाब का एक जमाना मैं बताया ना कि पंजाब में एक दौर में ऐसा था कि मदरसे ही होते थे और मौलवी लोग ही पढ़ाते थे। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग जो है ना वो मौलवियों से पढ़ करके निकले एक जमाने तक। मतलब पंजाब के जो इलाके होते थे खासतौर पे देहाती इलाके, वहां पे और कोई तालीम थी नहीं, तो हिंदू मुसलमान सब मौलवियों से पढ़ते थे और वो बहुत मजबूत तालीमी निजाम था, उससे पढ़ करके निकलने वाले बहुत आगे फिर गए। वो अली अलबत्ता है कि अब वो निजाम जो है ना उतना मजबूत बाकी नहीं रहा, मकातिब कमजोर रहे हैं, आस्ते आस्ते उसको और मजबूत करने की जरूरत है। सरफराज भाई, और मसला वो ये है कि जो हमारे इस स्कूल का तालीमी निजाम आप देखिए ना, हमने ये देखा है कि तीसरी चौथी पांचवी तक का बच्चा उर्दू पढ़ने लायक बोलने लायक हो जाता है, जबान की बात मैं कर रहा हूँ, कि उर्दू पढ़ना बोलना लिखना सीख जाता है। और यहाँ हिंदुस्तान मुंबई के अंदर मैं देखता हूँ लड़के 10वीं पढ़ लेते हैं, इमला तक दुरुस्त नहीं हो पाता है उर्दू। मतलब मैंने ये देखा है बीएड करने वालों को उर्दू नहीं लिखनी आती है, जितनी अच्छी छठी क्लास पढ़ने के बाद मकतब के बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं। अपना जाती एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान में वैसे तालीमी निजाम बहुत कमजोर है ना, स्कूलों का तालीमी निजाम बहुत कमजोर है। अच्छे खासे लोगों को मैं ऐसे ही थोड़ी ना पॉलिटिशियन से लेकर के जो इन्वेस्टमेंट की कंपनियां होती हैं ठग के लेके चली जाती हैं। तो हमारे यहाँ तालीमी निजाम कमजोर है, जो असरी उलूम का तालीमी निजाम, पर उस पर कोई बात नहीं करता, सारी बात जो है ना वो थोड़े से मदारी से उनके बारे में ज्यादा गुफ्तगू होती है। मैथ सरफराज भी जो ये कौन सा साहब यानी होते हमारे थे यहाँ गोमिया आप देखिए ना, कौन सा साहब, साइंटिफिक जहन है हमारे यहाँ, ये जो बाबाओं के यहाँ अभी एक भाई साइंस की बात कर रहे थे, ये जो हमारे यहाँ ढोंगी बाबाओं के दरबारों में जो भीड़ लगी होती है, क्या मदारिस के फारिगिन होते हैं, इनका साइंटिफिक जहन क्यों नहीं होता? ये भी तो स्कूल से पढ़ करके निकले ना, ये तो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के मालिक और क्रिकेटर्स और सियासतदान और प्रोफेसर तक के ना बदअकीदा है और अंधविश्वास में बाबाओं के सर जो है ना कदमों पे सर झुकाए हुए। तो इनकी इन्होंने तो पढ़ा है ना साइंस, इनको क्या हो जाता है, इन्होंने तो साइंस पढ़ी हुई है, इन्होंने तो जो है वो डार्विन की थ्योरी पढ़ी हुई है, ये इनका हाँ, इनके यहाँ कहाँ से अंधविश्वास आ जाता है, इन्होंने तो मदरसे से नहीं तालीम हासिल की हुई है। तो सारी बात मदरसों से करने के बजाय ये भी पूछना चाहिए कि भाई आप असली और जो हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ पे, वहां से आप ऐसे लोग क्यों निकाल रहे हैं, इनके यहाँ साइंटिफिक अप्रोच क्यों नहीं है, इनका जहन इतना साइंटिफिक क्यों नहीं है, इनकी लॉजिक कहाँ चली जाती है। वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड वैलिड क्वेश्चन है।